हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो गए। तो गाइस, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एयर टू एस के साथ। और गाइस, मुझे बहुत से यूट्यूब पे कमेंट्स एंड इंस्टा पे डीएम आए कि आपने ये कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो गाइस, इसमें मैं प्राइस एंड मैंने कहाँ से लिया वो भी कवर करूंगा, तो स्किप मत कीजिए और एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ जो कि मुझे अच्छे लगे, तो फर्स्ट है इसमें DJI ने 1 इंच का सेंसर प्लस 5.4K का रेजो दिया है, तो एक अच्छा क्लैरिटी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है ये। एंड सेकंड पॉइंट, इसमें 2 एडिशनल सेंसर दिए है अपर साइड में, तो वो ऑब्स्टिकल और अच्छे से स्कैन करता है और उसको अवॉइड करता है। और गाइस, थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो इसके अंदर एयर सेंस दिया है, ADS-B इसका फुल फॉर्म है, ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलेंस ब्रॉडकास्टिंग। मींस अगर गाइस आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो और आपके सराउंडिंग में कोई एयरक्राफ्ट है लाइक एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर, तो एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है, तो इस एयर सेंस से हमें कंट्रोलर में वार्निंग आ जाता है कि आपके सराउंडिंग में कोई एयरक्राफ्ट है। तो कुछ नहीं, गपचुप अपन ड्रोन नीचे ले लेने का। तो ये DJI ने एक एडिशनल फीचर ऐड किया जो अच्छा है। तो इस 4 पॉइंट की बात करूँ तो है एक्टिव ट्रैक, जो कि आप सबको पता है, बट मुझे इसका अच्छा ये लगा, अगर आप किसी सब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे हो और स्टिल आप ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक सब्जेक्ट कैप्चर है और वो हम उसे राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट को छोड़ता नहीं है, तो लाइक ट्रैकिंग प्लस सेल्फ कंट्रोल ऑफ ड्रोन, वो मुझे फीचर अच्छा लगा है। इसमें 5th पॉइंट की बात करूं तो ये सबका फेवरेट होगा जिसके पास भी ड्रोन है, वो है प्रीसेट्स। DJI ने उसके खुद ने अपने प्री डिफाइंड सेटिंग्स दिए प्रीसेट्स, जो कि है मास्टर शॉट्स, क्विक शॉट्स। क्विक शॉट्स के अंदर है और 5 प्रीसेट्स है, जो कि है ड्रोनी, रॉकेट, सर्कल, हेली एंड बूमरैंग, और उसके बाद है हाइपरलैप्स, उसके अंदर भी गाइस 4 प्रीसेट्स है। उसके बाद आता है पैनोरामा, उसके अंदर भी लाइक आप पैनोरामा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ले सकते हो। गाइस, ये प्रीसेट्स पे मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे प्रीसेट्स यूज करूंगा और हर एक प्रीसेट के एक सैंपल रिकॉर्ड करूंगा फुटेज, और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है लाइक थ्री मोड्स जो कि DJI ने दिए, 3 मोड्स, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड सिनेमेटिक। तो स्पोर्ट मोड 68 किलोमीटर पर आवर से चलता है एंड नॉर्मल 53 एंड सिनेमेटिक 18। तो सिनेमेटिक इज बहुत स्मूथ है, अच्छा है, आप कितना भी कैसा भी कंट्रोल करो पर उसका कंट्रोलिंग बहुत स्मूथ एंड पैनिंग होगा, तो रिजल्ट बहुत सुपर मार है। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगा जूम। तो गाइस, इसमें 8x ऑप्टिकल जूम दिया है, बट अब हाई रेजो लाइक अगर 5.4K पे हो तो वो 4x तक जूम करता है, और 1080p है तो वो 8x तक जूम करता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। नेक्स्ट पॉइंट है साउंड। तो एक्चुअली साउंड ये है कि उसके कंट्रोलर में साउंड आता है, लाइक बीप का साउंड आता है। तो एक्चुअली जब अगर स्पोर्ट मोड में अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो स्पोर्ट मोड में सेंसर ऑफ हो जाता है, सेंसर विल नॉट वर्क। तो उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप फ्लाई कर रहे हो और कुछ ऑब्स्टिकल आ जाए ना, तो कंट्रोलर के अंदर साउंड आता है, बीप्स बजता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ऑब्स्टिकल है। तो ये एक अच्छा था। नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी। तो बैटरी बैकअप DJI ने लाइक 30-31 मिनट बताया, बट मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे आराम से 25 मिनट्स मिला है। बट वही अगर आप स्पोर्ट मोड में अगर फ्लाई कर रहे हो तो आपको उससे भी कम मिलेगा, लाइक 20 इतना मिलेगा, बट मुझे 20-25 के बीच में बैटरी बैकअप मिला है नॉर्मल और सिनेमेटिक मोड में। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट रेंज की बात करते हैं। तो DJI ने बताया 12 किलोमीटर तक डिस्टेंस है इसका रेंज, बट अगर आप कंट्रोलर में देखो तो एल्टीट्यूड इसका 500 मीटर है एंड डिस्टेंस वाइज 8 किलोमीटर तक बताता है, उसके आगे नो लिमिट्स बताता है। बट गाइस, ऑनेस्टली मैंने हार्डली 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, उसके आगे फटने लगती है ना, बस हुआ, नो रिक्स, आगे हमें रिक्स नहीं लेना है। और हाइट वाइज गाइस मैंने 300 मीटर अप तक लेके गया हूँ, उससे ज़्यादा नहीं।
उसके बाद भाई डरने लगने लगता है। तो वैसे ये हो गए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर मैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स की बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट जो कि मुझे बहुत ज्यादा मेजर लगा जो है चार्जिंग। आप बैटरी को साइमल्टेनियसली चार्ज नहीं कर सकते। लाइक आप माउंट कर सकते हो तीनों बैटरी को साथ में, बट वो साथ में चार्ज नहीं होगे, वन बाय वन चार्ज होगा। और एक बैटरी चार्ज होने के लिए 1.5 घंटा लेता है, एंड तीनों फुल होने के लिए सपोज 4.5 घंटे लेगा फुल चार्ज होने। अगर वही एट अ टाइम तीनों बैटरी चार्ज होते तो सपोज 1.5 घंटे में या फिर 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता। तो ये एक मुझे ड्रॉबैक लगा। लाइक तीनों माउंट एक साथ हो रहे तो एक साथ चार्ज भी कर दो। सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो ट्रैकिंग मोड नहीं चलेगा हाई रेजो में और हाई फ्रेम रेट पे। मीन्स अगर आप 5.4K पे हो तो एक्टिव ट्रैक नहीं चलता है, और इवन 4K पे हो और 60 फ्रेम पे हो तभी भी एक्टिव ट्रैक नहीं चलता है। मीन्स आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते। लाइक 4K एंड 30 फ्रेम सिलेक्ट करोगे तभी ट्रैकिंग मोड चलता है। और वैसे अगर लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो है सेंसर। लाइक इसके आगे एंड पीछे सेंसर दिया है, बट साइड में नो सेंसर। मींस अगर लेफ्ट राइट मूवमेंट हो रहा है तो उसे नहीं पता चलेगा अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है तो। बट इसके लिए डीजीआई ने कंट्रोलर में एक दिया है डिसेबल साइडवेज फ्लाइट। अगर वो आप ऑन करते हो तो उसके लेफ्ट एंड राइट वाले मूवमेंट बंद हो जाएंगे। अगर आप जॉयस्टिक से लेफ्ट राइट मूवमेंट करते हो तो वो नहीं होगा अगर वो अनेबल है। तो एक ये पॉइंट था। तो गाइस ये तो कुछ हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। अब आते हैं प्राइसिंग के ऊपर, जिसका आप लोग सब वेट कर रहे हो कि भाई प्राइस कब बताएगा, ये सब हमें फीचर्स पता है, तू प्राइस बोल। तो गाइस मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या कि ये ड्रोन लॉन्च हुआ और विद इन अ मंथ मैंने ड्रोन ले लिया था। तो गाइस उस टाइम पे इंडिया में बहुत कम डीलर लोग के पास ये ड्रोन आया था, इसलिए इसका प्राइस बहुत हाई था। लाइक किसी ने मुझे 150 बोला, किसी ने 1.65 60, तो जो कि बहुत ज्यादा प्राइस था। और एक्चुअल इसकी प्राइस गाइस 1 लाख अराउंड है। तो गाइस मैंने और थोड़े कॉन्टेक्स्ट निकाले, यहाँ वहाँ पूछा पता किया, तो एक डीलर मुझे मिला जिसने मुझे 1.45 मीन्स 1,45,000 में मुझे दिया। तो गाइस फिर मैंने ज्यादा सोचा नहीं किया नहीं, मैंने बस ले लिया। तो हाँ मुझे ये 1,45,000 में पड़ा। और मैंने गाइस ये लिया है मुंबई से, और वो एग्जैक्ट कहाँ से उतना मैं नहीं बता सकता, बट मैंने मुंबई से लिया है एंड मुझे 1,45,000 में ये ड्रोन पड़ा। और गाइस मेरे हिसाब से अब ये इंडिया में बहुत से डीलर के पास अवेलेबल हो गया है, तो अब आई गेस 1,25,000 या 1,30,000 में ये इजीली अभी अवेलेबल हो जाएगा या हो गया होगा ऑब्वियस, तो आप पता करिए। और तो गाइस डीजे ने अब मैविक 3 भी लॉन्च कर दिया है, और उसका प्राइस देख के ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उस ड्रोन का वेट नहीं किया, क्योंकि उसका बेस मॉडल ही लाइक 1,65,000 तक जा रहा है, जो कि इंडिया में आते आते 2 लाख क्रॉस कर देगा। तो भाई हमारा एयर टू एसी मोर देन इनफ है, और मैं उसके साथ फुल सेटिस्फाई हूँ गाइस, बहुत बेस्ट है। डीजे ने तो उसे ये भी किया ऑल इन वन, तो एयर टू एसी इज बेस्ट। और गाइस मैं आपके साथ एक छोटा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने एक बार ड्रोन क्रैश किया और बड़ी सिल्ली मिस्टेक थी, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसा ना करो। एक्चुअली हुआ कैसे गाइस, एक वॉल था और मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा था स्पोर्ट मोड में देखने के लिए कि वो लाइक ये सेंसर ऑफ है कि नहीं, ऑब्वियस ऑफ थे बट स्टिल देख रहा था मैं। तो लाइक ये वॉल है एंड ये ड्रोन था, तो प्रॉपर था ठीक है, बट मैंने क्या किया, वो फ्लाई हो रहा था और मैंने उसे स्पोर्ट से डायरेक्टली नॉर्मल मोड में डाल दिया, तो ऑब्वियस उसके सेंसर ऑन हो गए और वो लाइक उसे ऑब्स्टिकल दिखा तो वो साइड हो गया। लाइक अवॉइड होने के लिए वो अब ऊपर के साइड गया, और ऊपर था वायर तो उसको वायर को लगा, तो थोड़ा सा वो ऐसा हुआ एंड बॉल को क्रैश किया, तो मेरे 2 प्रोपेलर्स खराब हो गए उससे। तो बट थैंक गॉड ड्रोन को कुछ नहीं हुआ, बट प्रोपेलर्स खराब हो गए, बट एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स थे मेरे साथ मेरे पास, तो ठीक है, बट ऐसा मिस्टेक आप मत करना। तो गाइस ये कुछ था मेरा एक्सपीरियंस। और गाइस मैं आगे और ड्रोन रिलेटेड वीडियो लाऊंगा, लाइक हाउ टू सेटअप एंड फ्लाई, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रीसेट्स के वीडियोस। और गाइस अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है इस ड्रोन रिलेटेड कि मैं ये कवर करूँ, तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं ट्राई करूंगा कवर करने के लिए। तब तक के लिए माउस इन द हाउस साइनिंग आउट।